हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आज के वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड आप मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आप अपने स्मार्टफोन के जरिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड कैसे किसी भी लोगों का आप बना सकते हैं, बनाने के लिए आवेदन कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, इसके लिए सर्वप्रथम आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ऊपर सर्च बार में टाइप करना है pmsym.cscloud.in। फ्रेंड्स, जैसे ही cscloud.in सर्च कर लेते हैं, आपको इसके ऑफिशियल पेज पर अब आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे नीचे एक स्टार्ट एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी स्टार्ट एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ स्टार्ट एनरोलमेंट पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपके पास CSC ID है और आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने अब ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना CSC ID इंटर कर देना है और यहाँ पे अपना CSC पासवर्ड इंटर कर देना है, उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना सारा डिटेल यहाँ पर इंटर करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने अपना CSC ID और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया और साइन इन बटन पर क्लिक भी कर दिया। आप देखेंगे हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब तक हमने 4 आदमी का कार्ड बनाया है, तो 4 आदमी का डिटेल नीचे में देखने को मिलेगा। आप न्यू एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देते हैं और ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एनरोलमेंट। फ्रेंड्स, यदि आप किसी नए लोगों का एनरोलमेंट करेंगे तो आपको न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। यदि आप एनरोलमेंट कर रहे थे और किसी कारणवश बीच में छोड़ना पड़ गया, काम पूरा नहीं हुआ, तो आप इनकम्प्लीट एनरोलमेंट पर क्लिक करके आप दोबारा से उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे न्यू एनरोलमेंट करना है तो हम न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम जिस भी लोगों का इनरोलमेंट करेंगे, जिस भी लोगों का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड बनाएंगे, उस व्यक्ति का सारा डिटेल यहाँ पे बारी बारी से इंटर करना होगा। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको कुछ राशि आपको प्रत्येक महीना अंशदान के रूप में जमा करना होता है और जब आपका उम्र 60 वर्ष हो जाता है तो आपको 3,000 रुपया प्रति मंथ लाइफ टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका मृत्यु हो जाता है तो इस राशि का 50% अर्थात 1500 रुपया प्रति माह आपकी पत्नी को दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कार्ड को बनाने के लिए आप कहाँ क्या फिल करेंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति का आप बनाना चाहते हैं कार्ड, उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ईमेल आईडी है उनके पास तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जिस भी स्टेट से वो व्यक्ति है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ 2 ऑप्शन मिलता है कि किसी अन्य प्रकार का यदि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप यस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आप नो पर क्लिक कीजिए। और टैक्स पेयर वाले ऑप्शन में भी आप नो पर क्लिक कर दीजिए और इस वाले बॉक्स में आपको टिक लगा देना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ और भी डिटेल फिलअप करना होगा और आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको मंथली कितना रुपया जमा करना है। दोस्तों, यदि आपका उम्र 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपया प्रति मंथ जमा करना होता है और इस योजना में भाग आप 18 वर्ष से लेके आपका उम्र यदि 40 वर्ष तक है तो आप इस योजना में भाग ले सकते हैं।
यदि आपका उम्र 40 वर्ष है तो आपको 200 रुपया पर मंथ जमा करना होगा, और जब आपका उम्र 60 वर्ष हो जाएगा तो आपको 3000 रुपया प्रति मंथ लाइफ टाइम तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटता रहेगा, और आपका जब लिमिट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में ही ऑटोमेटिक पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक पेज प्रिंट करना होता है। उस पेज को प्रिंट करने के लिए आप अपने मोबाइल में प्रिंट शेयर नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आप बड़े आसानी से किसी भी पेज को अपने मोबाइल से प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। उस प्रिंट पर आपको जिस भी कस्टमर का कार्ड बनाए हैं उस कस्टमर से नीचे साइन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा स्कैन करके अपलोड करना होगा। आप स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल में कैम स्कैनर नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप के ज़रिए आप स्कैन करेंगे कोई भी पेज तो वो मात्र 100 KB से कम में स्कैन हो जाएगा, और उस कार्ड को जैसे ही आप अपलोड कर देंगे आपके सामने PMSYM कार्ड बन के आ जाएगा, जिसे प्रिंट करके आप जिस भी लोग का बनाए हैं कार्ड उन्हें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बड़े आसानी से आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए किसी भी लोगों का कार्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।